Very good evening, dear friends. Today I am going to talk on the very important topic of class 10th. और जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं और ऐसे समय में ऑनलाइन टीचिंग का ही सहारा है। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पावर शेयरिंग पर हम अपनी चर्चा करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा हम उल्टा करके पढ़ें, इसको हम ऐसे लिख दें, शेयरिंग ऑफ पावर, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आसानी होगी। अब पावर शेयरिंग और शेयरिंग ऑफ पावर्स, तो पहली बात है शेयरिंग एंड देन नेक्स्ट इज पावर। अगर हम शेयरिंग की बात करें तो मुझे बचपन में एक कविता याद आती है, मधुर हम बच्चों का संसार, नहीं किसी से बैर भाव। और उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, फल मेवा हो या तो मिठाई, बांट बांट करके खाओ। तो बचपन से ही हम संस्कार में जीते हैं, फल मेवा हो या मिठाई, बांट बांट करके खाओ, मतलब बांटना, आपस में शेयर करना। घर में माता पिता, तो हमारा शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट हम घर से ही स्टार्ट करते हैं। घर मतलब होम, होम में मतलब शेयरिंग हमारे क्या होता है, सिबलिंग्स के बीच में, तो ब्रदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बीच में, ठीक है। घर से जब बच्चा बाहर निकलता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट उसके सामने जो आता है वो आता है इसका स्कूल, वहाँ भी उसकी शेयरिंग होती है किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। वर्क प्लेस, इस पर आदमी जो होते हैं उसकी अपने जी कलीग्स के साथ। अब हम आते हैं एज ए नेशन, तो मतलब अगर हम इसकी बात अगर करें घर में, चाहे स्कूल में, चाहे वर्क प्लेस पर, हर जगह कहीं ना कहीं ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है। अगर इसी शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम विस्तार देना चाहें तो एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीछे कर लेते हैं, शायद रेड कलर मिलेगा। तो अगर हम इस शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घर में और हम विस्तार देना चाहें, तो घर में घर पर कौन होता है, होम में मदर, फादर। मदर जनरली क्या होता है, वो घर में जो घर का कार्य होता है, ट्रेडिशनली बताऊँ, आज एम्पावरमेंट के ज़माने में हर व्यक्ति हर काम करता है, फादर बाहर का काम करते हैं। तो ये क्या है, अब ये दोनों व्यवस्थाएं क्यों की गई, कि समबडी इज़ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क एंड सम पर्सन इज़ डूइंग द वर्क आउटसाइड, सो इट इज़ अ व्हाट इज़ बेनिफिट। अगर हम देखें ध्यान से तो इसकी वजह से अगर ये जो प्रॉपर अगर शेयरिंग हो तो घर में क्लैश ऑब्लिक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं बनती है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सोशल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसकी शुरुआत हम देखें तो घर से शुरू होती है। घर, परिवार और हमारे वर्क प्लेस, जहाँ भी हमारा एक्सपोजर होता है वहाँ पर इस शेयरिंग के कॉन्सेप्ट की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। अगर हम अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब पहली बात तो चर्चा थोड़ा करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, हमारे यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द कंट्रीज गवर्न रूल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक वर्ड आता है प्रियम्बल, तो प्रियम्बल है क्या, तो प्रियम्बल को अगर आप देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ
कंस्टिट्यूशन, ये कंस्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडिंग एक लाइट की तरह काम करता है। और ये हम बताना चाहेंगे कि प्रीएम्बल को हम चेंज नहीं कर सकते, प्रीएम्बल को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। लेकिन 1976 में, एक आपको एडिशनल जानकारी दे दूँ, 1976 में हमारे इसमें जो वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे सोशलिस्ट, ये वर्ड पहले लाया गया था, फिर सेकुलर, और तीसरा जो वर्ड था यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज लाया गया था 1976 में। और प्रीएम्बल के बारे में ये कहा जाता है कि प्रीएम्बल, ये पहली बार जो चेंज हुआ था ये यही हुआ था, और जनरली ये माना जाता है कि प्रीएम्बल को हम चेंज नहीं कर सकते। पावर शेयरिंग की हमारा जो टॉपिक है वो पावर शेयरिंग है, लेकिन मेरा फोकस यहाँ इस बात पर भी है कि आपको ये समझ हो जाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल ज़रूर समझ लें। तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो इसको हम 22 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 22 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, और इसके अंतर्गत 8 शेड्यूल्स को रखा गया था, इसको 8 शेड्यूल में रखा गया था। आजकल हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब शेड्यूल लैंग्वेज जो बात करते हैं, ये यही 8 शेड्यूल्स हैं जिसको हम 8 श्रेणियों के बीच में विभाजित किया गया था 8 शेड्यूल्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको हर बच्चे को ये जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें जो टोटल जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास 395 आर्टिकल्स, आज तो हम 440 से ज़्यादा के आर्टिकल हो चुके हैं। तो ये हमारा बेसिक था, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल और 395। ये विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में है, डॉक्यूमेंट के रूप में है समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो एक जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, पावर शेयरिंग वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम केवल वर्ड की बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग, बट इन प्रैक्टिकल पावर शेयरिंग कम्स थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। दो ये जो फेडरल वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, फेडरल जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया के बारे में कहा था यूनियन ऑफ स्टेट से, ये फेडरल वर्ड नहीं यूज़ किया गया। और पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि स्मूथ गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं हम, जैसे हमने तुलना की, घर से तुलना किया, बच्चे जो अपने मित्र मंडली में होते हैं वहाँ भी देखिए तो कहीं ना कहीं आपस में इस तरह की शेयरिंग की चर्चा होती है। तो ये जो शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर जो फेडरल है, हालांकि इस वर्ड की भी चर्चा नहीं हुई है, हमारे यहाँ चर्चा यूनियन ऑफ स्टेट्स की, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। क्या है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो डिफरेंसेस, इसको दूसरे तरीके हम देख सकते हैं, वैरायटी को भी ये इंडिकेट करते हैं, वैरायटी। अब ये भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं हम इसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर को समाहित करें, इस ऐसे स्ट्रक्चर की चर्चा करें जो हर तरह के जो भाषाई विभिन्नताएं हैं, जो फ्लोरा फौना और जो रीजनल और भी इस तरह की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो
कास्ट के रूप में हो, चाहे रिलीजन के रूप में हो, तो इन सारी डाइवर्सिटीज़ को एक्मोडेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे इस पूरे विशाल देश को अटक से लेकर कटक तक और जम्मू कश्मीर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक जो विस्तार है, उसमें जितनी विविधता है इस देश में, उतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। तो इसी इस कॉन्सेप्ट को जो हमको जो देने का जो काम किया हमारा, ये जो वर्ड है फेडरल स्ट्रक्चर जो है फेडरलिज्म, ये कहीं ना कहीं इस पावर शेयरिंग को इनेबल करता है। तो इस पावर शेयरिंग को कॉन्सेप्ट को और हम विस्तार से देखेंगे। सो ये पावर शेयरिंग को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, एंड दूसरा क्या है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, हम बचपन से क्लास सिक्स सेवन्थ में इसकी चर्चा टीचर करते हैं, हमारे पास लेजिस्लेचर मतलब क्या है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव, हाँ तो एग्जीक्यूशन का काम मतलब उसको कार्यपालिका, हिंदी में क्या कहते हैं कार्यपालिका, मतलब कार्य को परिणत करवाने वाला। और तीसरा क्या है, स्पेस कम होगा, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, इसको हम न्यायपालिका इसको हम विधायिका कहते हैं। तो विधायिका ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल उसमें लेजिस्लेचर, ये पावर शेयरिंग का एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और दूसरी जो सामने रखना पड़ेगा तो थोड़ा सा आसान होगा, अब ये बेहतर होगा। तो हमारा हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जांपल लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर इसमें भी हम देखें तो हमारा लेजिस्लेचर है, तो हमारा अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो यूनियन, और उसके नीचे क्या स्टेट गवर्नमेंट, और कार्यपालिका में ऊपर अगर देखें तो सभी सारे काम प्रेसिडेंट और फ्यूचर गवर्नर, देखिए स्टेट लेवल पर गवर्नर। जुडिशरी में हमारे पास तीन टीयर है, एक सुप्रीम कोर्ट है हमारा, एक हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। यहाँ भी हम और निचले स्तर पर जा सकते हैं, यहाँ भी हमारा लोकल सेल गवर्नमेंट है। तो ये हमारा हमने देखा ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, और इसके अंदर ये वर्टिकल, हम आते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसमें हम वर्टिकल भी दिखा दिए हमने। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में हम देखें तो हम पूरे गवर्नेंस को हमको करने के लिए हमने इसको तीन लिस्ट में बांट दिया, पूरे पावर को हमारा हमने तीन लिस्ट में बांटा हुआ है। वो तीन लिस्ट क्या है हम देखें तो यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो राष्ट्रीय महत्व, क्या है नेशनल इम्पोर्टेंस, वो है यूनियन लिस्ट में, जैसे डिफेंस, पोस्टल एंड कम्युनिकेशन, पोस्टल स्पेस नीचे दिखाई दे रहा है, पोस्टल एंड इसको मैं बोल दे रहा हूँ सुन लें, पोस्टल एंड कम्युनिकेशन ये हो गया। स्टेट लिस्ट में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर देख लें, लॉ एंड ऑर्डर। और कंक्रीट लिस्ट में अगर एक एग्जांपल लेना हो तो एजुकेशन का फाइन एग्जांपल,
स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और किस तरीके से पावर डिवीजन को हम कार्य रूप में परिणत करने के लिए संविधान में तीन तरह के लिस्ट की व्यवस्था की गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इसके बाद कोई भी नया सब्जेक्ट है जो किसी में मेंशन नहीं है उसके लिए हम उसको प्रेसिडरी पावर्स, प्रेसिडरी लिस्ट के अंतर्गत, प्रेसिडरी पावर्स के अंतर्गत हम उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को अधिकार है कि उस पर अपने कार्य का, अपने अधिकार का प्रयोग करके उस पर लॉ बनाए, उस पर डिसीजन लें। आज के लिए हम इतना ही, अगले वीडियो में हम बाकी बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।